कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम जारी वीडियो संदेश में 5 अप्रैल की रात 9:09 तक लाइट बंद करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान दीपक, टॉर्च, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की अपील की है। कोरोना के खिलाफ एकजुटता के आह्वान ने पावर ग्रिड के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। देश में एक साथ लाइट बंद करने से पावर ग्रिड पर फेल होने और ब्लैकआउट होने का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में पावर ग्रिड के सामने स्थिरता बनाए रखने, ब्लैकआउट जैसी स्थिति से बचने की कड़ी चुनौती है। संभावित खतरे को देखते हुए पावर ग्रिड की सुरक्षा से जुड़े कदमों पर विचार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 मिनट तक लाइट बंद होने से बिजली की मांग 15,000 मेगावाट कम हो जाएगी। इससे फ्रिक्वेंसी भी प्रभावित होगी। अब ऐसे में स्थिति संभालने के लिए पावर ग्रिड के पास एक दिन का समय है। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश के स्टेट डिस्पैच सेंटर ने यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को पत्र लिखकर ग्रिड की सुरक्षा और सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए कुछ बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। सेंटर का अनुमान है कि पीएम के आह्वान के कारण बिजली बंद होने से बिजली की खपत में 3,000 मेगावाट की कमी आएगी। इसके कारण हाई वोल्टेज की समस्या हो सकती है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड इस संभावित खतरे को देखते हुए सक्रिय हो गया है। इसके लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर लोड डिस्पैच सेंटर के संपर्क में है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.